एंटीबैक्टीरियल एंड एंटी फंगल एजेंट्स। ठीक है, कल हमने पढ़ा था एंटीबायोटिक एजेंट्स और उससे पहले हमने एनाल्जेसिक्स एंटीबायोटिक्स ये एजेंट्स पढ़े थे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एंटीबैक्टीरियल एंड एंटी फंगल एजेंट्स। तो आज का टॉपिक है हमारा एंटीबैक्टीरियल बैक्टीरियल को देखिए। ठीक है, तो ये वो सब्सटेंसेस हैं, वो मेडिसिंस हैं, वो ड्रग्स हैं जो क्या करते हैं, बैक्टीरिया और जो फंगस है आपकी, बैक्टीरिया और फंगस की ग्रोथ को रोकते हैं या फिर उनको क्या करते हैं, उनके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनको क्या करते हैं, उनकी ग्रोथ को तो प्रिवेंट करते हैं, दूसरा क्या करते हैं, उनको डिस्ट्रॉय करते हैं, उनको किल करते हैं और हमें क्या करते हैं, डिजीज से क्योर करते हैं, डिजीज से सेफ करते हैं। तो ये वो सब्सटेंसेस हैं या वो मेडिसिंस हैं, वो ड्रग्स हैं जो क्या करते हैं, या तो जो है बैक्टीरिया और फंगस की ग्रोथ को रोकेंगे या फिर क्या करेंगे, उन्हें डिस्ट्रॉय कर देंगे। ठीक है, तो हम उन्हें बोलते हैं एंटीबैक्टीरियल एंड एंटी फंगल एजेंट्स। अब हम इसमें बेसिकली जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है आपका, सल्फोनामाइड। ठीक है, सल्फोनामाइड पढ़ेंगे और दो इसमें उसकी डेरिवेटिव पढ़ेंगे। तो जो सल्फोनामाइड है वो क्या करता है, एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल की तरह बिहेव कर, मतलब एजेंट्स की तरह बिहेव करता है। ठीक है, एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल एजेंट्स है और दो उसके डेरिवेटिव हैं, वो भी क्या करेंगे, एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल एजेंट्स की तरह बिहेव करेंगे। ठीक है, यानी कि एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल एजेंट्स की तरह काम करेंगे। तो पहले लिख लेते हैं इसमें कि एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल एजेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो लिखना शुरू करते हैं, चलिए देखते हैं। तो एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल एजेंट्स आर दो सब्सटेंसेस विच आइदर प्रिवेंट द ग्रोथ और डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया एंड फंगस। वही जो अभी बताया आपको कि एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल एजेंट्स वो सब्सटेंसेस हैं, वो ड्रग्स हैं, वो मेडिसिन हैं जो क्या करेंगे, या तो आपके बैक्टीरिया और फंगस की ग्रोथ को क्या करेंगे, प्रिवेंट करेंगे, रोक देंगे, या फिर क्या करेंगे, उन्हें बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर देंगे। ठीक है, एंड सल्फोनामाइड एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर वाइडली यूज एंटीबैक्टीरियल एंड एंटी फंगल एजेंट्स। अब क्या है इसमें मेनली आपको पढ़ना है सल्फोनामाइड। ठीक है, सल्फोनामाइड जो है आपका वाइडली यूज्ड एंटीबैक्टीरियल एंटी फंगल एजेंट्स है। और सल्फोनामाइड के आप डेरिवेटिव्स भी पढ़ोगे, अभी बीएससी में आपके दो क्या हैं डेरिवेटिव है, सल्फोनामाइड और दो उसके डेरिवेटिव हैं, इन दोनों का, तीनों का आपको सिंथेसिस देखना है। ठीक है, तो वो तीनों ही क्या है, एंटीबैक्टीरियल एंटी फंगल एजेंट्स हैं जो कि वाइडली यूज हो रहे हैं। ठीक है, एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सल्फोनामाइड, सल्फोनामाइड, ठीक है, अभी सल्फोनामाइड क्या होता है, ठीक है, सल्फोनामाइड स्टार्ट करते हैं अपना। क्या करता है ये, रोक देता है किसकी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की
ग्रोथ को, ठीक है। सो सल्फोनामाइड्स आर नोन एज, क्या कहलाएगा सल्फोनामाइड, इसीलिए सल्फोनामाइड कहलाएगा आपका एंटी मेटाबोलाइट्स, क्या कहलाएगा एंटी मेटाबोलाइट्स, एंटी क्योंकि क्या करता है वाइटल फॉर द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो सल्फोनामाइड्स आर नोन एज एंटी मेटाबोलाइट्स, इसलिए क्या कहते हैं और एंटी मेटाबोलाइट्स भी कहते हैं, ठीक है। अब देखो बॉडी में क्या होता है, इन बॉडी पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड यानी कि पावा, जिससे क्या बोलते हैं पावा, शॉर्ट में याद करने के लिए पावा, ठीक है। पी से पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड यानी कि पावा, पी ए बी ए इज एन इशेंशियल न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। वो क्या है आपका इशेंशियल न्यूट्रिएंट्स है फॉर द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एंड जो ग्रोथ के लिए क्या है बैक्टीरिया की ग्रोथ में हेल्प करता है, मतलब ये है बॉडी में आपके पैरामिनो बेंजोइक एसिड प्रेजेंट होता है जो क्या करता है बैक्टीरिया की ग्रोथ को क्या करता है न्यूट्रिशन देता है, मतलब उसे बोलता है कि और ग्रोथ करने के लिए, ठीक है, उसकी हेल्प करता है और ग्रोथ करने के लिए बॉडी में, यानी कि बॉडी में आपके बैक्टीरिया है प्रेजेंट है तो क्या करेगा पावा और उसे हेल्प करेगा, ठीक है, उसका रेट बढ़ा देगा, उसे उसकी हेल्प करेगा कि और ज़्यादा बैक्टीरिया डेवलप हो जाए ग्रोथ करे, ठीक है। एंड दिस इज स्ट्रक्चरली रिलेटेड टू सल्फोनामाइड, चलो ये बात तो हो गई कि प्रेजेंट होता है और ये क्या करता है बैक्टीरिया की ग्रोथ में हेल्प करता है, ठीक है। अब इसकी जो स्ट्रक्चर है दिस इज स्ट्रक्चरली रिलेटेड टू सल्फोनामाइड, अब ये क्या है स्ट्रक्चरली अगर हम देखें इसकी स्ट्रक्चर देखें क्या इसकी पावा की तो वो किसके जैसी दिखती है, कुछ नहीं मोस्टली इसके जैसी दिखेगी आपकी सल्फोनामाइड की जैसी। देखो कैसे दिखती है आपकी बेंजीन रिंग लाओ, बेंजीन रिंग है, एटोमेशन पे बॉन्डिंग हो गई, कुछ नहीं करना, यहाँ पे क्या है NH2 और नीचे पैरा पोजीशन पे, पैरा आता है ना तो पैरा पोजीशन पे लगा दो COOH, यहाँ से इसका नाम मिला पढ़ा है पैरा अमीनो, ठीक है, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड, अगर ये हटा दो तो ये बेंजोइक एसिड है और पैरा पे क्या छुप रहा है इसके, क्योंकि हम रेफरेंस इसको मानते हैं इसको, ठीक है, तो इसको रेफरेंस मानेंगे तो उसको क्या करेंगे हम उसको पैरा लिखेंगे और इसके इसके रिस्पेक्ट में कौन सी पोजीशन पे है पैरा पोजीशन पे, तो इसका नाम क्या पड़ गया पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड यानी कि ये है आपका PABA पावा, ठीक है। अब सल्फोनामाइड की स्ट्रक्चर देखना फिर आप खुद से देखोगे कि दोनों सिमिलर हैं, ठीक है, एटोमेशन पे बॉन्डिंग, ये क्या है आपका NH2 और यहाँ क्या आ जाएगा आपका SO2 NH2, क्या हो जाएगा आपका SO2 NH2 और ये क्या है आपका, ये है आपका सल्फोनामाइड, क्या है आपका सल्फोनामाइड, ये तो है आपका सल्फोनामाइड। अब देखो ये पावा है ये सल्फोनामाइड है, कुछ डिफरेंस है कुछ भी नहीं, सिर्फ ये वाले ग्रुप का है लेकिन स्ट्रक्चरली रिलेटेड अगर हम करें इन दोनों को तो सिमिलर बोल सकते हैं, ठीक है। तो वही बात हमने बोला कि जो पावा है वो बॉडी में प्रेजेंट होता है हमारी और क्या करता है बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है उससे हेल्प करता है बैक्टीरिया को और ग्रोथ करने में, ठीक है, जो कि हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। तो इसको रिमूव कैसे करेंगे, तो इसको ऐसे करेंगे, ये स्ट्रक्चरली रिलेटेड है सल्फोनामाइड से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे ये क्या करता है जो आपका बॉडी में बैक्टीरिया है, बॉडी में बैक्टीरिया है वो क्या करते हैं इसकी हेल्प से और ग्रोथ करते हैं, ठीक है। अब जैसे ही हम क्या करेंगे ये वाला ड्रग लेंगे सल्फोनामाइड तो क्या होगा जो बैक्टीरिया है वो क्या समझेगा कि पावा आया है यानी कि PABA ही है, तो उसको क्या करेंगे उससे हेल्प मांगेंगे उसके पास जाएंगे, लेकिन ये तो सल्फोनामाइड है, ठीक है, यानी कि बहुरूपिया बोल सकते हो एक तरह से, उन्होंने सोचा पावा है लेकिन ये तो सल्फोनामाइड निकला, ठीक है, और सल्फोनामाइड क्या करेगा उसकी हेल्प नहीं करेगा बल्कि उसे किल कर देगा, ठीक है, उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। तो ये होता है जो बैक्टीरिया है वो कंफ्यूज हो जाता है कि पावा है या सल्फोनामाइड है, ठीक है, वो जिसको पावा समझ रहा था वो तो निकला सल्फोनामाइड, ठीक है, वो तो निकला सल्फोनामाइड यानी कि उसने समझा कि पावा आया है लेकिन क्या है सल्फोनामाइड और क्या हो गया कंफ्यूज होके सल्फोनामाइड के पास जाके हेल्प मांग रहे हैं। सल्फोनामाइड तो भाई पुलिस है, वो तो क्या करेगी जो उनको पकड़ेगी ना तो वो क्या करेगी और बैक्टीरिया को किल करेगी, ठीक है। तो ये होता है, तो एक बार नोट डाउन करिए, एक नेक्स्ट लाइन रह गई आ जाएंगे शायद यहाँ पर, फिर एक साथ इसको कैप्चर कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं
यहाँ तक आपको समझा दिया था स्ट्रक्चरली रिलेटेड, वो लाइन जो मैंने आपको अभी समझाई थी वो मैंने नोट डाउन की है कि वैन सल्फोनामाइड इज एडमिनिस्ट्रेटेड, जब आप सल्फोनामाइड को लेते हैं या दी जाती है टू अ पेशेंट पेशेंट हैविंग बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कोई पेशेंट है जिसे क्या है बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, उसे क्या दी जाती है सल्फोनामाइड देते हैं, तो बैक्टीरिया क्या करता है अटैक करता है सल्फोनामाइड पे, सर बैक्टीरिया अटैक करता है सल्फोनामाइड पर ये सोचकर कि वो पावर है यानी कि पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड है, लेकिन वो तो सल्फोनामाइड है, अटैक ऑन सल्फोनामाइड इन कन्फ्यूजन ऑफ पावर, पावर की पावर समझकर वो केस पे अटैक कर देता है सल्फोनामाइड पर एंड गेट डिस्ट्रॉयड, और क्या हो जाता है डिस्ट्रॉयड हो जाता है। तो ये तो कुछ टॉपिक कुछ पॉइंट्स थे सल्फोनामाइड के बारे में, अब हम देखते हैं इसकी सिंथेसिस, एक बार कैप्चर कर लीजिए।
क्योंकि हमें स्ट्रक्चर में चलो ऊपर वाला है ये पोर्शन तो हमारे छिड़ेंगे, नीचे क्या है के साथ आपको एच टू चाहिए, लेकिन यहाँ पे सी एल है तो ये क्या होगा, जब एच टू से एच थ्री से अमोनिया से रिएक्शन कराओगे ये क्या है आपकी अमोनिया, ठीक है। जब अमोनिया से इसकी रिएक्शन कराई तो एक एच सी एल को लेकर माइनस एच सी एल बाहर निकल जाएगा, एन एच टू आके एच ओ टू के साथ जुड़ जाएगा, कंबाइन हो जाएगा, ठीक है। नहीं छेड़ी हमने SO2 NH2 हो गया है, अब इसका नाम क्या है N, N भी लगा लीजिए चाहे तो, ठीक है, नहीं तो इसका नाम है आपका एसिटिल एसिटिल सल्फानिलामाइड सल्फानिलामाइड, ठीक है सल्फानिलामाइड। अब क्या कर दो इसका माइल्ड हाइड्रोलिसिस कर दो, इसका माइल्ड करते हैं
हाँ जो आपकी ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है वो इरेगुलर हो रहा है, ठीक है, मतलब और इरेगुलर आपकी हार्ट बीट्स है, इसके लिए हम सल्फोनामाइड चेक करें। सल्फोनामाइड्स आपकी सिंपल सल्फा ड्रग्स हैं, इसके अंदर बहुत सारे ड्रग्स हैं, बहुत सारे मेडिसिन आते हैं सल्फोनामाइड के अंदर, जो क्या करती है अलग अलग अपना वर्क शो करती है, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पे सबको डिटेल में नहीं पढ़ना है और सबको पढ़ पाना पॉसिबल भी नहीं है यहाँ पर, तो आप अभी अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग सल्फोनामाइड में दो ही डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे और जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। इतना एक बार नोट डाउन कर लीजिए। एसिड
दूसरे से मिलेगा तो दो मॉलिक्यूल बनाएगा एसिटिक एसिड के, और जो आपका सी एस थ्री सी ओ ग्रुप है ये दोनों एनएच पे आके जुड़ जाएगा, एक एक एसिड निकल जाएगा तो एनएच और एनएच बचेगा। तो आगे देखो क्या बनता है डेरिवेटिव इसका, बॉन्ड हमने नहीं छेड़े है, ऊपर से क्या हुआ एनएच एस एच गया है और सी ओ सी एस थ्री आके जुड़ गया है, ठीक है एसिटिक ग्रुप आके जुड़ गया है। नीचे भी क्या हुआ है SO2 ऐसे ही, ठीक है, और NH पे क्या हुआ है NH2 से HS गया तो NHCO CH3 हो गया है, और दो बॉन्ड कैसे चले गए हैं इसके माइनस हो गए हैं CH3 COOH के फॉर्म में, ठीक है। अब ये क्या बना है, यहाँ से नंबरिंग करो 1 2 3 4, यानी कि इसको बोल सकते हो क्या N1 N4 डाई एसिटिल डेरिवेटिव ऑफ किसका है ये डेरिवेटिव, सल्फोनामाइड का, ठीक है सल्फोनामाइड का या सल्फोनिलामाइड का कुछ भी लिख सकते हो आप, सल्फोनामाइड या सल्फोनिलामाइड। अब क्या कर दो इसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस कर दो, ठीक है इसका कर दो पार्शियली हाइड्रोलिसिस या सेलेक्टिव हाइड्रोलिसिस, क्या कर दो इसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस या सेलेक्टिव हाइड्रोलिसिस, क्या कर दो सेलेक्टिव हाइड्रोलिसिस। इसका मतलब क्या होता है अभी समझाती हूँ आपको, ठीक है ध्यान दें। अगर मुझे इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराना होता तो इस वाले फंक्शन का भी होता, लेकिन अभी मैंने बोला पार्शियल हाइड्रोलिसिस, क्यों, क्योंकि देखो आपने स्ट्रक्चर देखो नीचे वाले स्ट्रक्चर तो आ गई है वाली, ऊपर में हमें ऊपर वाले इस वाले पोर्शन को रिमूव करना है, ठीक है, यानी कि नीचे वाले अगर मैंने इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर दिया तो नीचे से भी रिड्यूस हो जाएगा, नीचे और इसका दोनों तरफ से ये वाला ग्रुप चला जाएगा तो फिर हमारा फायदा नहीं हुआ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे सिर्फ पार्शियल हाइड्रोलिसिस करेंगे, यानी कि सेलेक्टिव हाइड्रोलिसिस करेंगे, सेलेक्टिव मतलब सेलेक्शन करेंगे कि कौन से पार्ट का हमें हाइड्रोलिसिस करना है। तो हमें पता है स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कि हमें ऊपर वाले पार्ट का हाइड्रोलिसिस करना है, तो हमने इसका सेलेक्टिव पार्शियल हाइड्रोलिसिस किया। तो उसके बाद क्या हुआ ये देखो ये इस तरह से बॉन्ड लिंक की हुई है, ठीक है, तो ये वाला जो बॉन्ड टूटेगा एक एच इधर एक एच इधर, ये क्या बन गया एन एच टू और ये क्या बन गया बना सी एच थ्री सी एच ओ, क्या बन गया एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है। तो एल्डिहाइड तो रिमूव हो जाएगा और ये क्या बच गया एन एच टू, तो यहाँ पर देखो ये क्या बना है, यहाँ पर क्या आएगा आपका एन एच टू बन गया आपका, और ये क्या था आपका सी एच टू एन एच सी ओ सी एच थ्री, और माइनस क्या हो गया आपका सी एच थ्री सी एच ओ, ठीक है। इसका ही नाम क्या है आपका सल्फासिटामाइड, सल्फासिटामाइड, डैमेज किए बिना क्या करता है बैक्टीरिया या फंगल को क्या करता है फंगस को क्या करता है किल करता है डिस्ट्रॉय करता है किडनी को डैमेज किए बिना, तो ये क्या है मोस्ट सफेबल हो गया सल्फा ड्रग्स, ठीक है। अब देखते हैं सल्फा मिथोक्सा जोन, एक बार इसको नोट डाउन करिए सल्फा मिथोक्सा जोन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका होता है इन द कॉम्बिनेशन विद ट्राइमिथोप्रिन, ये क्या करता है
ट्राई मिथोप्रीम के साथ कंबाइन करके तब क्या करता है, एज अ ड्रग की तरह काम करता है, जिसे हम बैक्टिन भी बोलते हैं कॉमन वर्ड में। ठीक है, अभी मैं दिखाऊंगी आपको, यहाँ पर लिख लीजिए कॉमन या ट्रेड नेम। ठीक है, बैक्टिन बोलते हैं इसे हम। ठीक है, तो ये क्या करता है, कंबाइन करता है किसके साथ, ट्राई मिथोप्रीम के साथ, और क्या करता है, बैक्टिन एक ड्रग की तरह काम करता है। ठीक, इट्स कॉम्पिटिटिवली, इट्स कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट्स डाइहाइड्रोप्रिट्रोट सिंथेज, प्रिवेंटिंग द फॉर्मेशन ऑफ डाइहाइड्रोप्रिट्रोइक एसिड। ठीक है, अब ये क्या है, ये कॉम्पिटिटिवली क्या करता है, इनहिबिट्स करता है, कॉम्पिटिशन होता है इनके बीच में, इनहिबिशन का इनहिबिट करता है इसको, डाइहाइड्रोप्रिट्रोइक को करता है इनहिबिट, और वो क्या करता है, जो कि क्या करता है, डाइहाइड्रोप्रिट्रोइट क्या करता है आपका, सिंथेसिस को क्या करता है, रोकता है किसके, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डाइहाइड्रोप्रिट्रोइक एसिड को। ठीक है, तो ये क्या है, एक प्रोसेस है जिससे क्या होता है, आपका फॉलिक एसिड बनता है, और जो कि क्या है, बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए रिक्वायरमेंट है। अगर कोई बैक्टीरिया है, ठीक है, उसको ग्रोथ करनी है, तो उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है आपका, फॉलिक एसिड। और फॉलिक एसिड किससे बनता है, प्रोसीजर कौन सा प्रोसीजर है, किससे बनता है फॉलिक एसिड, फॉलिक एसिड बनता है आपका डाइहाइड्रोप्रिट्रोइक एसिड से। अब डाइहाइड्रोप्रिट्रोइक एसिड से बना फॉलिक एसिड, और फॉलिक एसिड क्या है, बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये क्या करेगा, सल्फर मेथॉक्साजोल पहले ही क्या कर देगा, जो सिंथेसिस हो रहा है आपका डाइहाइड्रोप्रिट्रोइक का, उसे क्या कर देगा, रोक देगा पहले ही, ना डाइहाइड्रोप्रिट्रोइक एसिड बनेगा, ना फॉलिक एसिड बनेगा, और ना ही आपकी बैक्टीरियल ग्रोथ होगी बॉडी के अंदर। तो ये इसका काम है। ठीक है, अब ट्रेड नेम हो गया बैक्टीरियम, अब देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर कैसी होती है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर देखते हैं। अभी हमने सल्फोनामाइड पढ़ा था, सल्फोनिलामाइड या सल्फोनामाइड, उसी से रिलेट करके हमने क्या पढ़ी थी, अभी सल्फासिटामाइड की स्ट्रक्चर पढ़ी, और अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, सल्फा मिथोक्साजोल की स्ट्रक्चर भी उसी से रिलेट करके पढ़ेंगे। तो ऊपर क्या था आपका, NH2 ग्रुप था, बेंजीन रिंग थी, अगर रिलेट करके पढ़ोगे तो आप भूलोगे नहीं। ठीक है, ये हो गया। नीचे क्या था आपका, SO2 और NH, NH2 था उसमें, आपने एक एच हटा के क्या लगाया था वहाँ पे, एसिटिल ग्रुप। यहाँ पे क्या हुआ, एक एच हटा के अब ये जुड़ेगा एक नए ग्रुप के साथ। ठीक है, ये जुड़ेगा एक नए ग्रुप के साथ, एक नए ग्रुप के साथ, यानी कि N, और यहाँ पर O इस तरह से। ठीक है, ये वाला। ठीक है, इस तरह से इस वाले ग्रुप के साथ जुड़ेगा। ठीक है, इसका नाम भी है, IUPAC नहीं लिखना चाहते हो तो इसका नाम है 4-amino-benzene-sulfonamide। ठीक है, 4-amino-benzene-sulfonamide। चलिए अब सिंथेसिस देखेंगे, एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम सिंथेसिस देखते हैं। ये करना पड़ेगा कि कितना स्पेस नहीं है, इसकी सिंथेसिस थोड़ी बड़ी है उसके कंपैरिजन से दोनों के। चलिए इसका भी सिंथेसिस क्या करेंगे, एसिड एनालाइट से ही करेंगे, आपको अब याद हो जाना चाहिए। ठीक है, क्या करेंगे, एसिड एनालाइट से ही करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, NHCO CH3 ग्रुप आ जाएगा आपका, NHCO CH3, ये है आपका एसिड एनालाइट। ठीक है, तो ये रिएक्शन करता है किससे, क्लोरोसल्फोनिक एसिड से, क्लोरो सल्फोनिक एसिड से। वो क्या होता है, Cl2 SO2 H। ठीक है, SO3 H। एक बार इसको खोल के बता देती हूँ, इसकी स्ट्रक्चर होती है आपकी कुछ इस तरह से। S होता है डबल बॉन्ड, O डबल बॉन्ड, OH, इसको इधर लिख लीजिए OH को, OH, और ये होता है आपका Cl। ठीक है, तो इसके बीच में वाला बॉन्ड ब्रेक होता है, ये बॉन्ड जब इधर टूटेगा ये क्या होगा माइनस, ये क्या हो गया पॉजिटिव। ठीक है, ये पॉजिटिव है, इन दोनों में क्या होगा बॉन्ड का क्या होगा, ये इधर और ये इधर इस तरह से। तो ये क्या है आपका, यहाँ से एक H जाएगा और ये H क्या करेगा, इस
एच ओ के साथ ओ एच के साथ एच टू ओ के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और ये एस ओ टू सी एल आके जुड़ जाएगा आपके इस वाले साइट पर, ठीक है। तो आपका बन जाएगा एन एच सी ओ सी एच थ्री ऐसे। ये क्या कहाँ जुड़ गया आपका एस ओ टू सी एल, एस ओ टू सी एल, एक ओ एच तो निकल गया ना एच के साथ, ठीक है। अब आप देखो, हमने फर्स्ट जब आपका बनाया था कौन सा, सल्फासिटामाइड, तो सल्फासिटामाइड में भी हमने एसिटनलाइड लिया था और उसकी रिएक्शन कराई थी किससे, सल्फ्यूरिल क्लोराइड से, यानी कि SO2 Cl2 से, SO2 Cl2 से। आप अभी भी वो भी ले सकते हो, उससे भी बना सकते हो, HCl बाहर निकाल के SO2 Cl जोड़ सकते हो, ठीक है, कैसे भी कर सकते हो। यहाँ पे मैंने कुछ अलग कॉन्सेप्ट लेने की वजह से इसको इससे भी बना के दिखा दें, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा, इसमें अब हम एक ग्रुप ऐड करेंगे, ठीक है। इसका नाम लिख लीजिए एसिटिल, एसिटिल, और इसका नाम हो जाएगा आपका एसिटिल सल्फानिल क्लोराइड, एसिटिल सल्फानिल, सल्फानिल क्लोराइड, ठीक है। अब क्या होगा, अब क्या होगा, इसमें हम एक ग्रुप ऐड कराएंगे, ठीक है, इसमें अब हम एक ग्रुप का एडिशन कराएंगे, क्योंकि आपने स्ट्रक्चर देखी थी उसमें यहाँ क्या था NH के साथ एक ग्रुप जुड़ रहा था, तो हम यहाँ एक ग्रुप का एडिशन कराएंगे। उस ग्रुप का नाम है, देखो हम जो ग्रुप ऐड कराने वाले हैं वो ये वाला ग्रुप है NH2, मैं लिख देती हूँ, एस टू एन, ये हो गया आपका N, इससे O है, और यहाँ पे जो आपकी बॉन्डिंग हो रही है यहाँ से सी एच थ्री से, ये वाला आपका ग्रुप है, ठीक है। इसका नाम कैसे करोगे, वन टू थ्री फोर फाइव, तो इसका नाम दिया है, क्या नाम है इसका, थ्री अमीनो, थ्री अमीनो फाइव मिथाइल आइसो, आइसोक्साजोल, ठीक है, ये है इसका नाम, किसका, इस ग्रुप का। इसको हम ऐड कराएंगे, तो देखो ये कैसे ऐड करेगा, ये जो आपका NH है इसको HHN भी तो लिख सकते हैं, तो ये वाला H आपका एक Cl खा जाएगा, Cl को लेके चला जाएगा और NH आके पूरा जुड़ जाएगा, यही तो आपका बनाना था आपको, ठीक है। तो क्या है आपका NHCO CH3, क्या हुआ है आप इस पर, यहाँ पे बॉन्डिंग, ये भी बॉन्डिंग, और यहाँ पे आपका SO2 Cl चला गया एक H के साथ और ये जुड़ गया NH और पूरा एज इट इज़ ग्रुप, ठीक है। N, ये बॉन्डिंग O के साथ, ठीक है, ये अगेन कार्बन से CH3 ग्रुप, ठीक है, ये आके जुड़ गया, ठीक है, क्या जुड़ गया आपका एक, ये ग्रुप हमने इंट्रोड्यूस करा दिया, ठीक है, ये ग्रुप इंट्रोड्यूस हो गया। अब इसके बाद आप खुद सोचो, आपकी जो सल्फा मेथोक्साजोल की स्ट्रक्चर है उसमें ऊपर NH2 आ रहा है, अभी आपने जस्ट पहले भी किया था माइल्ड, क्या किया था आपने, रिडक्शन कर दिया था, क्या किया था आपने, माइल्ड रिडक्शन कर दिया था इसका, ठीक है, तो वही कर दीजिए, माइल्ड रिडक्शन कर दीजिए, है ना। तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये एक एच और एक एच इधर आ जाएगा, ये क्या निकल जाएगा सी एच थ्री सी एच ओ बाहर, और आपका बन गया एन एच टू ऊपर, बन गया आपका सल्फा मेथोक्साजोल, ठीक है, एन एच टू, नीचे आपका एस ओ टू एन एच, और ये वाला पूरा ग्रुप जुड़ रहा है, ये है आपका सल्फा मेथोक्साजोल, ठीक है, सल्फा मेथोक्साजोल, ठीक है। चलिए माइल्ड हाइड्रोलिसिस कर लीजिए यहाँ पर, तो माइल्ड हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपका हो जाएगा सी एस थ्री सी डबल ओ एच बाहर निकलेगा, ठीक है, जैसे हमने पहले वाले में किया था सेम वही करिए, ठीक है। देखो अब हमने सल्फा मेथोक्साजोल भी देख लिया, सिंथेसिस देख लिया, अब हम इसके यूजेस देख लेते हैं, ठीक है, यूजेज ऑफ सल्फा मेथोक्साजोल की, ठीक है।
चलिए अब देख लेते हैं सल्फामेथोक्साजोल की यूज़। तो इट इज़ यूज फॉर द यूरिनरी इन्फेक्शंस और निमोनिया। ठीक है, निमोनिया और यूरिनरी इन्फेक्शंस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, और भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसका यूज़ और कहाँ कहाँ कर सकते हैं, इसका हम यूज़ कर सकते हैं आपका जो अदर इन्फेक्शंस हैं, ठीक है, जो आपके दूसरे बैक्टीरिया हैं, अदर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं, उसके लिए भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और इसको हम ऑरली भी ले सकते हैं, यानी कि माउथ के थ्रू भी ले सकते हैं, और इंट्रानर्वस इंजेक्शन के थ्रू भी ले सकते हैं, यानी कि हम इंजेक्शन के थ्रू भी इसको ले सकते हैं और इसको ऑरली भी ले सकते हैं, दोनों तरह से इसको ले सकते हैं। दूसरा अब क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। साइड इफ़ेक्ट्स कौन कौन से हैं, लोज ऑफ एपेटाइट, यानी कि भूख ना लगना, ठीक है, नौसिया मतलब जी मिचलाना, ठीक है, उल्टी आना, ठीक है, और जो आपकी जीभ है और वो स्वेलिंग आ जाना जीभ पर, ये चक्कर आना, ठीक है, और नींद ना आना, कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो आज के लेक्चर में हमने देखा क्या आपका एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल एजेंट्स, ठीक है, आज हमने देखा एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल एजेंट्स, जिसमें हमने सल्फोनामाइड्स देखा और सल्फोनामाइड्स के ही डेरिवेटिव्स देखे, कौन सा, सल्फा एसिटामाइड और देखा सल्फामेथोक्साजोल। ठीक है, ये इसके दो आपके डेरिवेटिव हैं। नेक्स्ट कल हम स्टार्ट करेंगे एंटीवायरल एजेंट्स, तो ये वाला नोट डाउन कर लीजिए, और आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।